एंटर सब मिलेगा zoomtv.in। साजिद खान की मल्टी स्टार फिल्म हाउसफुल लग रही है कॉमेडी से फुल। फिल्म में कितनी कॉमेडी है वो तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाउसफुल की शूटिंग के दौरान इन स्टार्स ने कितनी मस्ती की और क्यों चढ़ गया इन स्टार्स पर ओल्ड एज स्टार्स का भूत, हम करेंगे इसका पोस्टमार्टम। ये है हाउसफुल की मेकिंग और हाउसफुल की शूटिंग में रितेश देशमुख के फूल फुल मूड को देखिए। रितेश में घुस गया राजेश खन्ना का भूत और उन्हें अपने स्टाइल में नचा भी रहा है। मानता है कि नहीं। राजेश खन्ना के भूत ने छोड़ा तो धर्मेंद्र के भूत ने पकड़ लिया और अब जितेंद्र यानी जीतू जी के भूत का असर भी देख ही लीजिए। और तो जब से राम गोपाल वर्मा से रितेश की दोस्ती हुई है, भूतों का ये एक्सपर्ट डायरेक्टर रितेश में भी आग घुसा है। रितेश तो शरारती है ही, उस पर शरारतियाँ के उस्ताद साजिद खान का उन्हें सपोर्ट मिले तो फिर रितेश की शरारतों को कंट्रोल करने की हिम्मत कौन जुटा सकता है। हेलो बात छुपाई जा रही हमसे जो हाउसफुल की शूटिंग में रितेश मियां ऐसे शरारती हुए कि संभाले नहीं संभल रहे थे। और अब इस शूट का सबसे कंट्रोवर्शियल नजारा देखिए। लंदन में रितेश और साजिद को आ रही है देशभक्ति की याद तो फिर जनाब मनोज कुमार साहब के स्टाइल में बता रहे हैं। एंड ऑफ डे व्हाट डे 5 डे 5 हम लंदन में हैं मगर देशभक्त हैं। ये तो मजाक के मूड में है। अगर ये मजाक भारत कुमार मनोज कुमार साहब ने देख लिया तो फुल मूड में हाउसफुल का बैंड बजाने उतर आएंगे और उसके बाद क्या होगा कुछ वैसा नजारा सबने ओम शांति ओम की रिलीज के टाइम पर देखा था। खैर कंट्रोवर्सी छोड़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रितेश और साजिद पर आखिर पुराने जमाने के स्टार्स के डांसिंग स्टाइल को कॉपी करने का भूत क्यों सवार हो गया था। क्या ये सीन हाउसफुल का हिस्सा है? सीरियसली देखने से तो नहीं लगता। लगता है रितेश ने यूं ही मिमिक्री करने के लिए स्टार्स के डांसिंग स्टाइल को कॉपी किया और हाउसफुल की शूटिंग में सबसे ज्यादा मस्ती भी रितेश ने ही की। लारा दत्ता को कपड़े पहनाने गए पर मस्ती में टॉप को पानी में गिरा दिया और फिर आए मुंह छुपाते हुए। मस्ती की सबसे ज्यादा उम्मीद अक्षय कुमार से ही की जा रही थी पर वो सिर्फ एक्टिंग पर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते नजर आए। जिस झूठ से किसी का घर बसता हो वो झूठ झूठ नहीं होता। पर कहीं कहीं रितेश के मस्ती का सुरूर उन पर भी चढ़ गया। रितेश ने लारा को भी अपने रंग में रंग लिया लेकिन दीपिका ने सिंसियरली एक्टिंग करने पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन रितेश के चेहरे का रंग एक सीन में सबसे ज्यादा उड़ा जब उनका पाला पड़ गया एक शेर से। लारा को पकड़ लगे ना मिस्टर बोगे कट। तो कुछ ऐसे मस्ती करते करते कॉमेडी हाउसफुल की शूटिंग हुई कंप्लीट। पर अब देखना ये है कि इन स्टार्स की ये मस्ती फिल्म में ऑडियंस को हंसाने में कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट जूम मुंबई।